हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। तो आज तारीख है 24, दिन है संडे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और देख सकते हैं बादल सा हो रहा है। अभी ये बादल हो रहा है और देखिए अभी बारिश हो चुकी थी, हो के रुक गई थी, तो मैंने बाद में शूट किया था। थोड़ी देर के लिए हुई थी, ज़्यादा देर के लिए नहीं हुई थी। तो बस मैं फिर उसके बाद अपना किचन में आ गई। थोड़ी देर बारिश हुई, मैं तो छत पे गई थी वैसे नहाने के लिए बारिश में, लेकिन बारिश जो है रुक गई थी, तो मैं फिर नीचे आ गई अपना काम करने। मैंने कहा चलो फटाफट बना लेते खाना, क्योंकि अगर फिर से बारिश हुई या आंधी पानी आ गया तो फिर लाइट चली जाती तो अंधेरे में दिक्कत हो जाएगी मेरे को। तो फटाफट जो है मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, रोटी चावल, और दोपहर की जो है दाल थोड़ी सी पड़ी है तो वो दाल यूज़ कर लूँगी। तो बस यहाँ पे अभी जो है भिंडी के लिए जो है मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, उसको मैंने कढ़ाई में डाल के ना भून रही हूँ थोड़ा सा। और तब तक मैं ना यहाँ पे चावल भी जो है चावल को धुल के फूलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर फूल जाएंगे और थोड़े से ही चावल बनाऊँगी। वैसे भिंडी के अगर खाली भिंडी होती तो चावल नहीं बनाती मैं, बट थोड़ी दाल भी है ना, तो दाल के साथ थोड़े से चावल बना ले रही हूँ और भिंडी के साथ जो है रोटी बन जाएगी। तो बस अभी जो है भिंडी के लिए मसाला जो है वो भुन रहा है, और तब तक ये बर्तन जो हैं शाम के धुले हुए उनको भी लगा देती हूँ, और यहाँ पे थोड़ी जगह खाली हो जाएगी और उसके बाद जो है खाना बनाऊँगी कंटिन्यू। तो बस यहाँ पे जो पानी था थोड़ा सा वो हटा दिया है, और यहाँ पे तब तक जो है प्याज भुन गया है, अब इसमें भिंडी डाल दे रही। भिंडी जो थी ना ज़्यादा नहीं थी, शायद आधा किलो भिंडी लाए थे हस्बैंड, उसमें से कुछ भिंडी तो पकी हुई निकल गई। तो बस प्याज भुन गया था, उसमें भिंडी डाल दी, उसके बाद ड्राई मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं डाल दी हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इकट्ठी करके मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और भिंडी में मैं ना पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, ऐसी मध्य आंच पे बिल्कुल सिम आंच पे इसको धीरे धीरे पकने दूँगी, और तब तक ये इसकी भाप से जो पानी आएगा ना उससे ही भिंडी गल जाएगी। और अब मैं लगा लेती हूँ आटा। तो गर्मियों का टाइम हो रहा है तो रात को ना खाना बहुत कम ही खाते हैं सब लोग, तो बस मैं थोड़ा ही आटा लगा रही हूँ। और आटे में ना मैं ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि आटे को बस मैं सान के, मतलब सान को बोल रही, इकट्ठा करके जैसे रख देती हूँ और बस थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। और उसके बाद जब रोटियाँ बनाने के लिए जाती हूँ तब एक बार मल लेती हूँ, तो बिल्कुल आटा जो है सॉफ्ट हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आटे में। अब भिंडी को चेक कर लिया। अब भिंडी में मैंने ना थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया है, और उसके बाद फिर मिक्स करके 2 मिनट और इसको पका लूँगी। तब तक ये जो है कि चीनी वाले डिब्बे में ना चीनी कर दूँगी, क्योंकि सुबह को फिर दिक्कत हो जाती है, तो अभी से ही करके रख दे रही हूँ ताकि सुबह चाय बनाऊँ तो मुझे सुबह को ना करना पड़े ये काम। और ये पापे के पैकेट हैं, जो डेली सुबह को पापे का एक पैकेट आ जाता है, तो उसमें जो चूरा बचता है ना उस चूरे को इकट्ठा कर ले रही हूँ, क्योंकि वो चूरा जो है कटलेट्स वगैरह के लिए काम आ जाता है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं उससे। तो बस यहाँ चावल भी देखिए बन गए हैं और भिंडी भी जो है हमारी हो चुकी है, और चावल भरक रहे हैं, जो भी सामान एक्स्ट्रा है। तब तक ये खाना बनता है, तब तक जो भी सामान होता है इधर उधर उसको सेट कर लेती हूँ, तब तक जो भी किचन में रहती हूँ। अभी गैस जो है इधर वाली गैस पे मैं रख दे रही कढ़ाई, इधर मैं फटाफट बना लेती हूँ रोटी। तो सबसे पहले मैं, और यहाँ पे ना नन्नू दूध मांगने आई थी, तो मैंने कहा लाओ दूध उसको दे देती हूँ ग्लासिया में, तो दूध गर्म ही था अभी, तो मैंने उसको दूध दे दिया है। और इधर यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा आटे में एक बार और हाथ मार ले रही हूँ, और उसके बाद जो है रोटियां सेकना शुरू करूँगी, क्योंकि पुन्नी जो है बहुत देर से आफत काट रही है खाने की, कि मॉम मुझे खाना दो, भूख लग रही है। और बच्चे पता क्या करते हैं, जिस दिन खाना बना होगा उस दिन बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, कितना भी कहते रहो खाना खा लो तो नहीं खाना है, और जब नहीं बना होगा तो आफत काट के रख देते, रोए पड़ी है मुझे भूख लगी। तो बस और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, अभी 7:30 का टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी आफत काट रही है। तो बस फटाफट उसी के चक्कर में बना रही हूँ, सबसे पहले उसी को रोटी दूंगी। और सबसे पहले मैंने इस छोटी सी रोटी गाय के लिए बनाती हूँ, तो वो गाय को देने के बाद अब सबसे पहले मैं खाना उसी को लगा रही हूँ, ताकि वो भूख ना करे। अच्छा, और ये लगा के उसको दे रही हूँ। और मैं ना आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ,
मैं जब से रक्षा की रसोई जो है उनका वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मतलब अच्छा अच्छा सिखाती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती, बहुत हिम्मत मिलती है उनकी वीडियोस देख के। पहले मैं नहीं देखती थी बट अब मैं कंटिन्यू उनकी वीडियो देखती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि कोई तो इतना ग्रो हुआ, किसी का चैनल इतना आगे बढ़ा है, कोई इतना सक्सेस मिल रही है। और आशा करती हूँ कि काश उनकी तरह हमें भी ऐसे ही सक्सेस मिले, लेकिन उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है। मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हीं की तरह मैं भी बनूँ। तो बस अभी यहाँ पे देखिए रोटियाँ हमारी जो हैं वो बन गई हैं, अब मैं गाय को खिला आती हूँ। गौरी ले, गौरी ले, आंखें लाल लाल दिख रही हैं, ले खा ले खा ले। क्या खा ले? अरे नीचे गिर गई क्या? खा तो ली, खा ली है, आंखें लाल लाल दिख रही हैं गौरी की। खा तो ली, नीचे कहाँ गिरी? दे तो दी गौरी, खा लेती, खा तो ली तुमने ओटी, अब कल खाना है। बाप रे, डर लगता है सांप ऊप का यहाँ पर तो, पेड़ पौधों में। हाँ, करेले का पेड़ हमारा, ये मैंने लगाए थे बीज यहाँ पे, करेले का पेड़ निकल आया। ये मिर्ची का इतना भारी पेड़ है, देखिए पूरा रात हो गई है। तो यहाँ पे ना नन्नू बोली मॉम मेरे से सुन लो, तो बस यहाँ पे वो पोएम उसने याद करी, सॉन्ग याद करा है, ऐ वतन तेरे लिए वो वाला। तो उसके स्कूल में 15 अगस्त को प्रोग्राम होगा, तो उसी की तैयारी कर रही है, डांस करेगी, सॉन्ग सुनाएगी, तो पूरे मतलब एकदम दिल से याद कर रही है और बहुत अच्छा भी लगता है ये सॉन्ग। मैं थोड़ा सा आपको रियल वॉइस उसकी सुनाऊंगी, तो बस उसी से मैं यही सुन रही हूँ कि वो कैसे याद करे। वो बहुत ज़्यादा उसने मतलब मेहनत करी है, उसने काफ़ी कुछ याद कर लिया, थोड़ा सा रह गया है जहाँ पे वो अटक रही है, तो वो तैयारी कर रही है। अभी 15 अगस्त को वैसे भी काफ़ी टाइम है, तब तक वो अच्छे से याद कर लेगी। तो बस मैं उससे यहाँ पे सुन रही हूँ और उसके बाद फिर वो अपना पढ़ाई भी करती है इस बीच और डांस की भी तैयारी करती है। तो यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत भूल रही है मैं उसको बता रही हूँ कि यहाँ पे इस मतलब इस तरह से बोलते हैं, यहाँ पे ये बोला जाएगा। तो वो ली, ठीक है मॉम, मैं मतलब याद कर रही हूँ और मैं आपको ना उसकी थोड़ा सा रियल वॉइस सुनाती हूँ कि वो कैसे याद करी, कैसे सुना रही मेरे को। फिर भी बहुत कुछ अच्छे से सुना लिया उसने। अच्छा, तो मुझे तो लग रही बहुत तेज से भूख और हस्बैंड अभी नहीं आया, उनका वेट कर रही हूँ, बरेली गए हैं, देखो किस समय आते हैं। तो 9 बज गया है और अभी तक नहीं आए हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो मुझे खा लेना चाहिए क्योंकि मुझे लग रही भूख, और खाना फिर ठंडा हो जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, खासकर सब्जी ठंडी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रोटी और चावल ठंडा होता है ना तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ बेटा आ रहे, एक सही हो गया है, दूसरा ठीक हो रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ बताओ यार, कोई बहुत ज़्यादा दुख रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है। एक ट्यूब है मेरे पास जिससे सही हो रहा है, लेकिन वो ट्यूब ख़त्म हो गया है, तो मंगवाऊँगी वो ट्यूब। चलिए मैं खा ही लेती हूँ, वो आएंगे तो उनको दे दूँगी। अरे बेटा क्या बात है, ये देखो, अच्छा कह रहा है इधर बनाओ, यहाँ पे लेटा है, कह रहा मेरे को डर लग रहा है, इसको काय का डर लग रहा है, मैं हूँ नहीं अंदर। और एक गाड़ी देखिए, ये गाड़ी आई थी,
इसकी बुआ लेके आई थी गाड़ी इस पैटर्न में, इसने दोनों पहिए इसके तोड़ दिए। और इससे पहले इसकी ये गाड़ी इसके डैडी लाए, बहुत बढ़िया गाड़ी स्प्रिंग वाली है, मैं आपको चला के दिखाती हूँ, इतनी बढ़िया गाड़ी थी और इसने ये भी तोड़ दी, सबके पहिए तोड़ देता है। अरे यार इसका पहिया तोड़ दिया, अब ये चल नहीं रही है, बेकार हो गई। इस पे स्प्रिंग वगैरह था तो कैसे चलती है ये लुटा? कैसे चलती है? चलाओ, बेकार कर दी बाबू ने हमारे, इतना बढ़िया बढ़िया गाड़ी वगैरह इसको लेके आए थे इसके डैडी, और ये देखो क्या बात है। मैंने कल ये खिलौने सेट करके रखे, इसमें देखो फिर यहाँ डाल दिए, ये हाथी है, ये शेर है, मैंने बेड पे ये बोगा बगीला, बगीला या बो क्या बोलते हैं, अरे चीता, और ये है टाइगर, टाइगर ये है लॉयन, देखो मेरे बाबू को सब पता है। तो इसने मैंने कल सजा के रखा था, सब इसने निकाल के हाथ गेंदा, ये देखिए। तो चलो इसको वहीं पे बेड पे लगा के आते, इसे जाओ जैसे ले काल के लेके आए वैसे लगा के आओ, देखो कितने सारे ये सब खिलौने लेके आए थे इसके लिए। तो इसका नाम है लॉयन, इसका नाम है बार, इसका नाम है हाथी, और इसका नाम है चीता, इसका नाम है गेंडा। गेंडा, अरे वाह जी, क्या है ये? एलिफेंट। वेरी गुड। और ये चीता। चीता। और ये टाइगर। वाओ। और ये गेंडा। हिंदी में, इंग्लिश में तो हमको भी नहीं पता क्या बोलते हैं। और ये लॉयन। वाओ मेरे बाबू ने तो सब कुछ बता दिया, देखो चलिए। तो ये क्या है? इसको लगाया बेड पे, लगाया चलिए। तो इस ब्लॉग को, आज के जो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे रहे हैं, और आज थोड़ी बारिश हुई रुक गई, मैंने सोचा नहाऊंगी लेकिन नहीं नहा पाई। चलिए सोने का इंतजाम करते हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? कहना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ चलिए, तो बाय बाय, गुड नाइट।